से तुम आगे बढ़ो, साथ है वहां से तुम आगे बढ़ो। जीते जीते खाली पीछे बैठा लकड़ी से ये रोड जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर के पंगवा तक जो है वो इसमें ब्लैक टाइपिंग का काम आज से शुरू करवा दिया है हमने। इस पर ये कम से कम 20 लाख रुपए की लागत जो है वो आएगी। तो ये लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी, क्योंकि जब हम इलेक्शन में भी आए तब भी हमने देखा था पानी ही पानी था, और ये 70 साल के बाद लोगों की डिमांड पूरी हो रही है। क्योंकि ये 70 साल पहले लोगों को ये रास्ता मिलना चाहिए था, क्योंकि लोग पैदल ही चलते हैं और कोई यहाँ का साधन नहीं था, जहाँ कोई स्कूटर भी चल सकता है। इसके बनने से जहाँ के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, गाड़ियाँ जहाँ पहुँचेंगी और लोगों को एक अच्छा साधन जो आने जाने का जो है मिलेगा। और हम सबको मिलकर के ये काम करना है, ताकि हमें अपने ब्लॉक को डेवलप करना है। और हम सब मिलकर करके मेरे साथ जो है हमारे ब्लॉक के BDC चेयरमैन रमेश सिंह जी, और जहाँ के हमारे सरपंच प्रीतम चंद जी, जहाँ के नायब सरपंच जो हैं थोड़ू राम जी और रमेश चंद जी, और जहाँ के गणमान्य लोग, और जहाँ के मातृशक्ति जो है जहाँ हमारे साथ खड़ी है। और आज इन लोगों में बड़ी खुशी की लहर है कि कम से कम देर से ही तो एक अच्छा रोड जो है वो बनने जा रहा है। और ये उम्मीद करते हैं कि आगे के लिए भी हमारे जो गांव छूटे हुए हैं वहां भी रोड कनेक्टिविटी जो है वो जल्दी से जल्दी मिले। तो उसके लिए हम सब, चाहे वो पंचायत के मेंबर हो, सरपंच हो, BDC चेयरमैन हो, DDC चेयरमैन हो या DDC हो, तो हम सबको मिलकर के काम करना है। हमने अपने ब्लॉक को डेवलप करना है। जो ब्लॉक के गांव छूटे हुए हैं अभी, जिनको रोड कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, उनको भी जल्दी से जल्दी हमें रोड की कनेक्टिविटी पहुंचाने की कोशिश करनी है, ताकि हमें अपने ब्लॉक को एक डेवलप ब्लॉक बनाने की कोशिश करनी है। और उसके बाद हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को भी एक डेवलप डिस्ट्रिक्ट बनाना है, ताकि पूरे प्रोविंस में पता चले कि सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हर क्षेत्र में आगे है। जिस गांव में अगर रोड बन जाएगा, वहां की जो सभी सुविधाएं जो वहां वो पहुंच जाएंगी, जैसे स्कूल है, बिजली है, पानी है, और भी जो चीजें हैं वो जल्दी से वहां पहुंच सकती हैं। इसलिए हम सबको मिलकर के काम करना है। भारत माता की जय।